वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जिसके आप, बेसिस पे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है आपको ताकि अगले बार जब वीडियो डालूंगा तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए और उसका बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में मिले और टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम उसे ज्वाइन कर ले सो दैट सारे पी डी एफ्स आपको फ्री में वहां पे मिल जाएंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट टू फाइनेंशियल एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर है इंटरिम डिविडेंट ऑफ कंपनी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय तो इंटरिम डिविडेंट जो है ऑफ अ कंपनी वो कौन डिक्लेयर करता है ओनली बी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो ध्यान रखना इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है जब कंपनी साल में दो बार डिविडेंड देता है कंपनी साल में हमेशा एक ही बार डिविडेंड देता है लेकिन अगर दो एन जो एनुअल जनरल मीटिंग एक बार होती है उसमें फाइनल डिविडेंट डिसाइड किया जाता है अगर सिक्स मंथ्स के बेसिस पे कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाए कंपनी को तो सिक्स मंथ्स के बेसिस पे भी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड तो इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है इंट्रीम डिविडेंड डयर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद योर चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो थोड़े मैंने फाइनल अकाउंट्स के भी क्वेश्चन यहां पर डाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इनमें से इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से कौन से पॉइंट्स इन्वेंट्री के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड मतलब कौन से इनमें से स्टॉक नहीं है इन्वेंट्री स्टॉक फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टोर्स एंड स्पेयर एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स तो वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स शॉर्ट स्टोर्स एंड स्पेयर ये तीनों के तीनों हमारे इन्वेंट्रीज है हमारा स्टॉक है बट एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स हमारे लिए स्टॉक नहीं है दैट इज अवर करंट लाइबिलिटी बिकॉज सप्लायर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स तो ये हमारे करंट लाइबिलिटी में आएंगे और इनमें से ये इन्वेंट्री के पॉइंट में नहीं आएंगे तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स या डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इट्स वेरी सिंपल आपने एस वाई में मैनेजमेंट अकाउंट में भी पड़ा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस करते हैं तो राइट आंसर इसका है डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिनोट्स द डिविडेंट declared बाय द डायरेक्टर्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स तो मैंने अभी आपके साथ बात की थी कि जब कंपनी पूरे साल में एक ही बार डिविडेंड देता है जिसे हम एनुअल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड के नाम से जानते हैं लेकिन अगर टू एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में डिविडेंड दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड इंटरीम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड तो उसे हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो accrued, accrued का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट अब अगर यहां पर ध्यान से आप देखो तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे मतलब हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से हमें रिटर्न मिलेगा तो इंटरेस्ट एक इनकम है फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट्स करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी तो हो नहीं सकता बिकॉज वी आर नॉट एनीथिंग वी आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दी इन्वेस्टमेंट्स तो राइट right आंसर इसका है करंट असेट्स तो फाइनल अकाउंट्स का मैंने क्वेश्चन लिया है इंटरेस्ट एक रिक्वायर टू बी शोन अंडर दी हेडिंग करंट असेट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं Uncalled amount on partly paid shares is required to be shown under. Uncalled amount, ya kabi unpaid amount bhi ya dia It's a contingent liability, current liability, current assets, ya fixed assets. So, very simple question. Do remember this. तो अनकॉल्ड अमाउंट जो है दैट अनक अमाउंट बोलो या फिर अनपेड अमाउंट बोलो ऑन शेयर एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती जिसे हम हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के इवेंट्स के बेसिस पे जानते हैं तो दिस इज अवर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो दैट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जिसमें हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कैपिटल रिडक्शन के नाम से जानते हैं और ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है इसका बैलेंस हम लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसका बैलेंस हम लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ध्यान रखना इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर reconstruction एक्सपेंसिस पेड अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछे गए तो उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इसीलिए जब आप एम सी क्यू उसको अटैम्प्ट करोगे तब आप कंसेप्ट के क्लैरिटी पर ध्यान रखना और जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना आपका एम सी क्यू राइट होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा सो रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसिस पेड की जर्नल एंट्री क्या होती है बैंक टू कैपिटल रिडक्शन टू रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन टू बैंक या रियलाइजेशन टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस देखो ऐसे केस में सबसे पहले आपको इसका आंसर नहीं पता तो इसको आपको एलिमिनेट करना है बैंक डेबिट नहीं हो सकता बिकॉज वी आर पेइंग जब भी पेड वर्ड आएगा या जब भी पेमेंट करेंगे हम तब बैंक कभी डेबिट नहीं होगा बैंक हमेशा क्रेडिट होगा बिकॉज वी आर पेइंग कैश तो डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट अवर कैश इज गोइंग आउट इसलिए बैंक यहाँ पे क्रेडिट होगा अभी देखते हैं बैंक क्रेडिट किधर है फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है सेकंड ऑप्शन में तो बैंक है ही नहीं थर्ड ऑप्शन में बैंक क्रेडिट दिख रहा है मुझे जनरल एंट्री पता नहीं है फिर भी मैंने बैंक के क्रेडिट के बेसिस पे यह अंदाजा लगा दिया कि थर्ड हमारा राइट right आंसर है देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर थर्ड ही है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूस को अटेम्प्ट करना है जो आपको काफी हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन द एग्जिस्टिंग 2,000 थाउजेंड शेयर ऑफ रूपीज वन अल्टर्ड टू टू हंड्रेड शेयर ऑफ टेन ईच दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन सब डिविजन कन्वर्जन इन स्टॉक या सरेंडर ध्यान रखना सिंपल चीज बताता हूं आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाएंगे तो कंसोलिडेशन बड़े नंबर से छोटे नंबर में आएंगे तो सब डिविजन जैसे अगर हम वन रूपी के शेयर को टेन रुपीस करेंगे तो क्या हो जाएगा कंसोलिडेशन और टेन रुपीस के शेयर को वन रुपीज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा सब डिविजन ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो दैट इज अवर सब डिविजन तो अभी इसका राइट right आंसर क्या है कंसोलिडेशन देखो एक रुपए का शेयर है उसको हमने दस रुपए का कर दिया दैट इज कॉल्ड एज कंपनी कैन अल्टर द शेयर कैपिटल प्रोवाइड इट इज ऑथोराइज बाय कंपनी अपने शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकता है अगर ऑथोराइजेशन होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्टरेशन कैन ओनली बी मेड इफ़ इट इज़ ऑथोराइज बाय एम ओ ए दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर प्रोवाइड किया है तो ही हम हमारे शेयर कैपिटल में चेंजेस या अल्ट्रेशन कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी इज़ टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी बोलो या बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है हमारे जो फाइनल अकाउंट्स में कौन से शेड्यूल के बेसिस पे बनता है तो ध्यान रखना शेड्यूल सिक्स शेड्यूल थ्री शेड्यूल फोर शेड्यूल सेवन तो इसका राइट right आंसर है शेड्यूल थ्री के बेसिस पे बनता है वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे है दैट इज एज पर शेड्यूल रोमन थ्री तो राइट आंसर है शेड्यूल थ्री क्वेश्चन नंबर ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्री रिज़र्व फॉर बायबैक तो बायबैक में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फ्री रिजर्व उसकी लिस्ट को पढ़ के रखना वहां से एमसीक्यू बन सकता है इनमें से कौन सा फ्री रिजर्व बायबैक में यूज नहीं किया जाता जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस डिविडेंट इक्विजेशन रिजर्व कैपिटल रिडम्शन रिजर्व तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस और डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व ये तीनों के तीनों हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स है मतलब ये फ्री रिजर्व है सी जो है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व ये हमारा फ्री रिजर्व नहीं है जो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखते हैं एवरी बाय बैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन देखो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद बाय बैक कितने मंथ्स में कंप्लीट किया जा सकता ट्वेल्व टेन सिक्स या एट तो ध्यान रखना ये काफी टेक्निकल कंसेप्ट है तो बायबैक को हमें ट्वेल्व मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना जरूरी है कंपलसरी है अगर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद 12 महीने के अंदर मतलब एक साल के अंदर आपको बायबैक करना पड़ेगा मतलब सारे के सारे प्रोविजंस बायबैक के फॉलो करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इफ द बायबैक इज एट डिस्काउंट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सी आर आर दैट इज कैपिटल रिडमशन रिजर्व तो रिमेंबर अगर बाय बैक डिस्काउंट में है तो आपका जो भी डिस्काउंट होगा वो क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और आज का लास्ट क्वेश्चन बाय बैक ऑफ शेयर शुड बी ऑथोराइज बाय तो बाई बैक ऑथोराइज होना चाहिए किसके बेसिस पे मेमोरेंडम आर्टिकल्स रजिस्ट्रार का ऑर्डर या अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर्स तो ध्यान रखना बाय बैक ऑफ शुड बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स आर्टिकल्स ऑफ ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन तो articles of association के बेसिस पे ऑथोराइज होना चाहिए तो यही थे आज के 15 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया आई होप कि आपके इसके बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए रहेंगे तो इनका सबका कंबाइंड पीडीएफ मैं टेलीग्राम के चैनल पे शेयर करने वाला हूँ तो टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करें कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले पहले और वहाँ से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन भी दारे सेम वहाँ पे सारे पी आपको फ्री में मिलेंगे और एग्जाम तक आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एम सी इस चैनल पर मिलने वाले हैं तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर